मेरी तरफ से सभी को गुड वाली मॉर्निंग। आज है हमारा डे 50 75 डे हार्ड चैलेंज का। तो मॉर्निंग में मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ग्रीन टी से, उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ आज 150 ग्राम छोले यानी कि चने, और जिससे हमें मिलता है 10 ग्राम प्रोटीन। आज सैटरडे है, वैसे ऑफिस का ऑफ है। उसके बाद में मैं आज मिलता हूँ गुड्डू से। गुड्डू के लिए मैं आज स्पेशल हलवा बनवाता हूँ उसे खाने के लिए। तो ये लो फिर अब खा के मेरे को बताना कैसा लगा। बताना कैसा 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 है। यम्मी कैसा लगा। टेस्टी टेस्टी टेस्टी। कैसा था हलवा? गरम था? ताता था? है टूटू ताता था? तो हम तो ठंडा करके खा रहे हैं। लो फिर। हाँ और साफ कर लो, और कर लो। बस फिनिश 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 फिनिश। लंच में आज हमारे पास में होती है सब्जी कुछ ट्रेडिशनल, दो रोटी और दही की जगह हमारे पास में लस्सी होती है। फिर मैं इवनिंग में निकल लेता हूँ जिम के लिए। और आज यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी सिरसा के अंदर, शायद ये इस पूरे सीज़न में सेकंड पता नहीं थर्ड टाइम इतनी तेज़ बारिश हुई है, क्योंकि इस बार सिरसा में काफ़ी कम बारिश थी, चारों तरफ पानी भरा हुआ था यहाँ पे। एक बार मैंने मिस जिम जाने का ना जाने का मैंने मन बना लिया था पानी की वजह से, बट ये बारिश हुए हुए एक या दो घंटे हो चुके थे तो कुछ पानी निकल चुका था। इसके बाद मैं पहुंचता हूं जिम, और जिम में पहुंचने के बाद में मैं वहां पे भैया को करता हूं गुड इवनिंग एज यूजुअल, और फिर उसके बाद में हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं करता हूं थोड़ा वार्म अप और स्ट्रेचिंग जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। आज सैटरडे है, सैटरडे तो आज हमारा लेग्स डे था, तो वैसे तो लेग की जो एक्सरसाइज है वो ना तो मुझे कोई ज़्यादा अच्छी लगती है ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है एवरेज लगती है मुझे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं वेट स्क्वैट्स के साथ में। इससे पहले हम करते थे हैक स्क्वैट, तो वेट स्क्वैट शायद हम फर्स्ट या सेकेंड टाइम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हम करते हैं सिंपल रोड के साथ में, और फिर जो मैक्सिमम जाएंगे 10 kg तक। तो शायद मैं आज थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम मुझे लोअर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह हो सकता है कि हमें शॉर्ट्स पहननी पड़े लेग्स वाले दिन, तो देखते हैं। और जो मेरे ट्रेनर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे मेरे स्क्वैट से, पता नहीं क्यों। वो कह रहे थे कि आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा पोजिशन में इशू है। तो ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ 10 kg की प्लेट्स के साथ में ट्राई किया था, कोई ज़्यादा वेट भी नहीं लिया था। देखते हैं नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी लेग प्रेस एज यूजुअल, यानी कि वेरी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है हमारी। यहाँ पे हम अच्छा वेट लेते हैं, हम यहाँ पे 20 kg का एक साइड में लेते हैं और 20 kg का, यानी कि स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे 60 kg के साथ में। और इनका मुझे अपने इस मतलब कि पैर से इनका हाथ टच करना होता है, अदरवाइज़ ये मेरा रिपीटेशन काउंट नहीं करते हैं। और रिपीटेशन हम रखते हैं वही 15, 12 और 10 का। और इसके बाद में हम जो लास्ट रिपीटेशन है उसके अंदर हम एक एक प्लेट और ऐड करते हैं यहाँ पे, और वो काफ़ी हार्ड तक जाता है। हाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा मतलब हार्ड जा रहा है, बट हमने मैनेज किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं यहाँ पे लेग के लिए लेग एक्सटेंशन। सो यहाँ पे जो ट्रेनर थे वो घर जा चुके थे, तब तक उनको शायद कुछ काम था, तो ये हमारे रणजीत सर हैं जो मुझे यहाँ पे ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इनकी हेल्प से मैंने इसके 4 सेट लिए थे यहाँ पे लेग एक्सटेंशन के, और क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं 2 हैवी एक्सरसाइज कर चुका था, ये काफ़ी एग्जॉस्ट था मैं यहाँ पे आते आते। और आज पता नहीं थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू था जिम में, तो थोड़ी सी सफोकेशन मुझे यहाँ पे फील हो रही थी, ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में लास्ट एक्सरसाइज करते हैं हम लेग कर्ल, और इसके भी हम 4 सेट लेते हैं। आज के अगर हम ज्ञान की बात करें, ज्ञान की बात आज ये है कि बहुत सारे लोग आजकल जिम में, ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि ईगो ट्रेनिंग करते हैं, ईगो वेट लिफ्ट करते हैं। ईगो वेट लिफ्ट का मतलब वो किसी को देखते हैं कि उसने 100 kg वेट लिफ्ट किया है तो मैं 110 करके दिखाऊंगा, उसने 110 किया तो मैं 120 करके दिखाऊंगा। ऐसा करने से बहुत सारी इंजरीज हो रही है लोगों के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप एकदम से ज़्यादा ओवर वेट होते हो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, फिर वो एकदम से लो जाता है, तो लोग जो बैठे बैठे एकदम से फिर वो अनकंशियस हो जाते हैं और वो कहीं गिर जाते हैं और चोट भी लगती है, तो इन चीज़ों से बचें। नई एक्सरसाइज हमने यहाँ पे ऐड की थी लंजेज, ये लंजेज हमने विदाउट वेट किया था, और कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल होती है, तो ये तो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो और लग रही थी कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम कोई भी वेट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। और ये वैसे कोई प्रॉपर वे नहीं है लंजेज का, बट ये बिल्कुल मैंने बताया है उनको कि मैंने आज तक पहले लंजेज किए नहीं है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें, क्योंकि इसमें पूरा आपको चलना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे काफ सीटेड काफ रेजेस बोलते हैं इसको, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज है, इसमें कोई ज़्यादा जोर वोर नहीं आता है वैसे, बट आज मैंने रख रखा था यहाँ पे प्लेट रख रखी थी, इसके मैं 3 सेट लेता हूँ यहाँ पे 10, 12, 15 के।
और इसके बाद में टोटल हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे 5 एक्सरसाइज हमारी लेग्स के लिए। और इसके बाद में एक एक्सरसाइज और है, बट वो भी हमें ऐड करनी थी आज, बट देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम वो वाली एक्सरसाइज ऐड करें। तो एक्सरसाइज को आज पे हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं अपना फ़ोन लेता हूँ अपने कैमरामैन से और मैं निकल लेता हूँ घर के लिए। कल संडे है, कल हमारा वैसे ऑफ रहने वाला है, तो कल हमारा कम्प्लीटली रेस्ट डे रहेगा, तो कोई वीडियो नहीं आएगा। और उसके बाद में फिर हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे। और इवनिंग के अंदर आज डिनर में मैंने रखे थे पनीर 100 ग्राम, और हमारे पास में 100 ग्राम यहाँ पे एप्पल थे और कुछ कुकुम्बर थे फाइबर के लिए। और अब हमारा करते हैं डे हम फिनिश। तो मेरी तरफ से सभी को गुड वाली नाइट, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।